रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन 2024 के रिलेटेड है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन स्प्रिंग 2024 जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन, जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो है वो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे एक कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एडमिशन जो है वो बेसिकली पीएचडी प्रोग्राम्स, एमफिल प्रोग्राम्स, एमबीए 2 ईयर्स प्रोग्राम, बीबीए प्रोग्राम और बीएस 4 ईयर प्रोग्राम, इसके अलावा बीएड प्रोग्राम्स जो है इनमें ओपन है। इसके अलावा बीएस 4 ईयर प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली अरेबिक प्रोग्राम, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस, पर्शियन प्रोग्राम, उर्दू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फिनांस, कॉमर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन प्रोग्राम्स में एडमिशन जो है वो ओपन है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई नाउ का, अप्लाई नाउ के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडमिशन पोर्टल जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका अपने फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपने लाजमी चेक करना है। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है व्यू फीस स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीस स्ट्रक्चर जो है वो शो हो जाएगा। आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले चेक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है लॉगिन, साइन अप, रीसेट पासवर्ड, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने अकाउंट जो अपना वो क्रिएट करना है, इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट जो अपना वो क्रिएट करना है। सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेस जो अपना वो एंटर करना है, इसके बाद फुल नेम जो अपना वो एंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और साइन अप एज के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एडमिशन एप्लीकेंट जो है ये आपने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद साइन अप के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। अकाउंट लॉगिन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन्स का, एडमिशन्स के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना वो फिलअप करना है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है अपने ब्लू बैकग्राउंड में या व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड करनी है। मैक्सिमम फाइल का साइज जो है 4 MB होना चाहिए। पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद अपने फादर नेम जो है अपना वो एंटर करना है। इसके बाद अपने CNIC नंबर जो है अपना वो एंटर करना है। हॉबीज जो है अपने वो आपने एंटर करनी है। इसके बाद लैंडलाइन नंबर जो है अगर आपका है तो आपने वो एंटर करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आपने इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और डिसेबिलिटी की नेचर जो है आपने वो सिलेक्ट करनी है। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो इस ऑप्शन को आप ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आपने हिफ्ज़े कुरान किया हुआ है तो आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इधर ऑप्शन शो हो रहा है आपको डू यू वांट टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अदरवाइज इन ऑप्शंस को जो है आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद आपने रिलीजन जो आपका आपने वो सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी ईमेल एड्रेस जो अपना आपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने नेशनलिटी एंड बर्थ इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने कंट्री जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एड्रेस की डिटेल्स जो आपने वो इंटर करनी है। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एड अपडेट, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले नेम जो है अपना वो इंटर करना है। मेलिंग जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, मेलिंग एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने एड्रेस जो है अपना वो इंटर करेंगे। कंट्री जो है अपने वो सिलेक्ट करना है, प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिटी का नेम अपने सिलेक्ट करना है, पोस्टल कोड जो है सिटी का अपने वो इंटर करना है और सेव के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो दोनों सेम है तो आपने ये इस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे और नीचे अपने परमानेंट एड्रेस जो है अपना वो इंटर करना है। उसी तरह आपने ऐड अपडेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस जो है आपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो है आपने वो इंटर करनी है। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है ऐड का, ऐड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने डिग्री लेवल जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है SSC मैट्रिक की आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद अपने डिग्री टाइटल जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने मैट्रिक अपना कंप्लीट किया है उस बोर्ड का नेम जो है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, रेगुलर है, डिस्टेंस लर्निंग है या प्राइवेट है या वर्चुअल है आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डिग्री ग्रुप जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, मैट्रिक साइंस में किया या आर्ट्स में किया वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने मेजर सब्जेक्ट्स जो आपने वो इधर सिलेक्ट करने हैं, पासिंग ईयर जो है आपका अपने वो इधर इंटर करना है, टोटल मार्क्स इंटर करेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स जो है वो इंटर करेंगे और मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है आपने वो अपलोड करनी है।
और इसके बाद आपने सेव एंड ऐड न्यू के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है और सेव एंड क्लोज के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपने ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है उसकी इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है, इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे रिलेटिव डिटेल्स का ऑप्शन जो है आपको वो शोर है, ऐड के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने फादर की प्रोफाइल जो है वो एंटर करनी है, फादर का जो है अपना रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है, इसके बाद प्रीफिक्स जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद फादर का नेम एंटर करेंगे, फादर का स्टेटस जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, फादर का एजुकेशनल लेवल जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, फादर का CNIC नंबर एंटर करेंगे, फादर का ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, फादर की कॉन्टैक्ट टाइप जो है आपने वो सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे, इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है उनका आपने वो सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, रिटायर्ड है या सेल्फ बिजनेस है, अब्रॉड है या डिसेबल्ड है, आपने वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑक्यूपेशन इनका एंटर करेंगे, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स जो है आपने वो इंटर एंटर करना है, इसके बाद मंथली इनकम एंटर करेंगे, एनुअल इनकम जो है आपने वो एंटर करनी है और सेव एंड ऐड न्यू के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसी तरह आपने मदर की इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है, ब्रदर की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, सिस्टर की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और सेल्फ इन्फॉर्मेशन जो है आपने वो एंटर करनी है और सेव एंड क्लोज के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपने कोई NTS टेस्ट दिया हुआ है तो आपने उसकी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी है, लैंग्वेज डिटेल्स जो है वो एंटर करेंगे, स्टूडेंट बैंक डिटेल्स जो है आपने वो एंटर करनी है। अगर ये डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं और सेव के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेव करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो है एडमिशन प्रोसेस, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर आपको ऑप्शन शो है एडमिशन कैंपेन, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट पे जो है आपको BS प्रोग्राम्स की डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगी, इसी तरह MPhil प्रोग्राम्स की आपको डिटेल्स शो हो जाएंगी, इसी तरह आपको PhD प्रोग्राम्स की डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगी। अगर आप फॉर एग्जांपल BS प्रोग्राम्स में अप्लाई करना है तो आपने नीचे सिलेक्ट प्रेफरेंस के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इधर इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह रिसीव हुई है वो आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है प्रेफरेंस का, ऐड अ लाइन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपने प्रेफरेंस जो है अपनी वो सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस। आपने इधर इनटेक जो है अपना वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एडमिशन कैटेगरी जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है और सेव एंड ऐड न्यू के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपने सेकंड प्रेफरेंस जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, इसी तरह आपने सेकंड प्रेफरेंस जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है, एडमिशन कैटेगरी जो है उसकी सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड क्लोज के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप जो है बेसिकली 3 प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है टर्म्स एंड कंडीशंस का, इन्हें एग्री करेंगे और सेव के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है सबमिट एप्लीकेशन, सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने के बाद इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है व्यू डाउनलोड चलान, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका फी वाउचर जो है आपके सामने वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1500 रुपीज का, जो कि आप किसी भी HBL की ऑनलाइन ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं। फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद इधर आपने फी डिटेल्स जो अपनी वो एंटर करनी है। सबसे पहले फी डिपॉजिट डेट जो आपने वो सिलेक्ट करनी है, सिटी का नेम सिलेक्ट करेंगे, बैंक का नेम जो है आपने वो एंटर करना है, ब्रांच नेम एंटर करेंगे, ब्रांच कोड जो आपने वो एंटर करना है और पेड चलान की पिक्चर जो आपने वो अपलोड करनी है और आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसी तरह आपकी एंट्री टेस्ट की स्लिप जो है वो भी इसी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। इधर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एंट्री टेस्ट स्लिप, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एंट्री टेस्ट की स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल।